नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां आगरा कमला नगर क्षेत्र में रेस्टोरेंट स्काई लाइन में पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई की गई। वही रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चों को परोसी जा रही थी शराब, इसका एक नमूना पेश किया गया। वही रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार भी पुलिस को मिला और होटल में अवैध तरीके से नाबालिग किशोरों को बनाया जा रहा था नशे का आदि। वहीं पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, हुक्का, भारी मात्रा में सिगरेट के पैकेट मिले। वहीं अंकित अग्रवाल हैं रेस्टोरेंट के मालिक, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज आपने ग्रुप टॉप पे छापा मारा है, तो क्या यहाँ पे आपका सामने आया है, क्या आपको चीजें मिली है? देखिये, कमला नगर में स्काईलाइन रूफ टॉप एंड रेस्टोरेंट है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि छोटे बच्चों को हुक्का और लिक्वर सर्व किया जा रहा है, तो हमने अपने मुखबिरान लगा रखे थे। मुखबिरान कहाँ से जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि छोटे बच्चों को लिक्वर और हुक्का सर्व किया जा रहा है, कमला नगर टीम के साथ मैंने कमला नगर चौकी इंचार्ज और SHO के साथ छापा मारा, जहाँ पर बच्चों को लिक्वर और हुक्का सर्व किया जा रहा था। वही अगली खबर बांदा से है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आकर एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घरेलू कार्य करते समय पंखे के वायर से करंट लगा। वही परिजन आनन फानन में महिला को लेकर जिला अस्पताल में गए, जहां डॉक्टर देखते ही वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया। वही मामला तिंदरवी थाना अंतर्गत गोरख रही गाँव का है। वही अगली खबर एटा से है, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। एटा के कलयुगी बेटे ने पिता की फावड़े से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। वही छोटे बेटे के द्वारा पिता के पैसों को लेन देन के विवाद के चलते ट्यूबवेल की कटोरी पर फावड़ा से काटकर उतारा मौत के घाट। वही घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जहाँ घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। वही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल फावड़े को बरामद भी कर लिया है। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम अब मामले की जांच में जुट गई है। एटा में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मानपुर गांव में जगदीश बाबू नामक व्यक्ति हैं, 60-65 वर्ष इनकी उम्र है और इनके छोटे बेटे द्वारा पारिवारिक विवाद में पैसे के लेन देन में, विक्की नाम है और उसने फावड़े से इनकी नृशंस हत्या कर लिया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दो भाइयों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर तिकुनिया पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और आबकारी मंत्री के इस्तीफे और थाना अध्यक्ष के निलंबन और मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। आज हम सभी कांग्रेसजनों ने लगातार 9 दिन आबकारी राज्य मंत्री के गृह जनपद उनके विधानसभा क्षेत्र में ये गांव निजामपुर जो नुरार थाने के अंतर्गत आता है, उसमें दो सगे मजदूर भाइयों की जहरीली और कच्ची शराब पीने से मौत हुई है। उन पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर और आबकारी राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर और लुनार थाना के निलंबन की मांग को लेकर आज हम लोगों ने 9 दिन ये कैंडल मार्च निकाला है। लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा, जब तक कि जो ये कच्ची और जहरीली शराब है इस पर पूरी तरीके से थाना क्षेत्र और संबंधित आबकारी राज्य मंत्री अंकुश नहीं लगा देते हैं। वही अगली खबर गोंडा से है, जहां डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। वही निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर वीना सक्सेना से रंगदारी मांगी जा रही थी। वही फोन पर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली थी। वही कानपुर के कदवई नगर का रहने वाला है कालर, और फोन से डर के मारे डॉक्टर ने ट्रांसफर किए 6,000 रुपए, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उस कॉलर को अरेस्ट कर लिया है। शहर कोतवाली पुलिस ने ये केस दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। वह अगली खबर पीलीभीत से है, जहां यूपी के पीलीभीत जनपद में भारतीय किसान यूनियन का चौथे दिन भी तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। वही देर रात तहसीलदार के आवास पर भाकियों ने पहुंचकर ढोल और कनस्तर बजाकर नींद हराम कर आंदोलन किया। वही बोले, ना सारी रात सोएंगे और ना अधिकारियों को सोने देंगे। दरअसल मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव अमरैया कला का है, जहां लाल बाबा आश्रम की लगभग 20 से 30 एकड़ कृषि भूमि पर भू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।
वही दूसरा मामला जेठापुर का है। यहाँ सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर उसको पाट दिया गया है। दोनों समस्याओं को लेकर भकाइयों के 19 जुलाई को तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और समस्या का समाधान न होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। वही 22 जुलाई से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वही आज 25 जुलाई को समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों की नींद हराम कर देने के बाद आंदोलन जारी रहा। एक लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं। एक मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है भूमाफियों ने। इधर ग्राम जेठापुर में एक तालाब पाट कर पूरे गांव का पानी बंद कर दिया है। ये मांगे लगभग हम एक महीने से तहसीलदार को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। अब मजबूर होकर किसान 22 तारीख से धरने पर बैठे हैं। कोई भी अधिकारी मौके पर आके धरना स्थल पर किसानों से बात करने को तैयार नहीं। आज जो है नींद हराम आंदोलन चलाया था, रात भर किसान ऐसे ही जागते रहेंगे, ना सोएंगे ना इन अधिकारियों को सोने देंगे। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां बिजली चेकिंग करने गए अधिशासी अभियंता के साथ मारपीट किया गया। वही जान बचाकर भागे अधिकारी अभियंता बिजली विभाग की टीम के साथ नगरीय टीम बनाकर मोहल्ला कासिम बाग में चेकिंग करने गए थे, जहां बिजली विभाग की टीम पर मोहल्ले वासियों ने हमला बोल दिया। वही आक्रोशित भीड़ ने अधिकारी अभियंता और उनकी टीम की जमकर पिटाई भी कर दी। वही अधिकारी की पिटाई पर भीड़ ने पथराव कर बिजली चेकिंग करने की टीम को वापस लौटा दिया। कल जो है उच्च अधिकारियों के आदेश पे कल चेकिंग की गई थी कासिम बाग मोहल्ले में। जैसे ही चेकिंग टीम वहाँ पहुँची और वहाँ के लोगों द्वारा चेकिंग नहीं करने दिया गया, हमारे साथ तथा हमारे कर्मचारियों के साथ उन लोगों ने मारपीट किया और ईंटें चला दी, जिससे कि जो है चोटें आई लोगों को। वही अगली खबर झांसी से है, जहाँ एक बार फिर खजुराहो नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें सड़क पर बैठे हुए अन्ना जानवर को टैक्सी के द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई। जानकारी के मुताबिक झांसी की तरफ से मऊरानीपुर की तरफ जा रही एक टैक्सी जैसे ही ग्राम तेजपुरा के पास पहुंची, उसी दौरान सड़क पर बैठे हुए अन्ना जानवर से तेज रफ्तार टैक्सी आकर भिड़ गई। वही जिसमें अन्ना पशु की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही मामले को देखते हुए टैक्सी चालक टैक्सी को घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार करके मौत कर दिए। उसके बाद वही बीच बचाव करने आई बेटी उस पर तेजाब डाल दिया गया। वही पड़ोसी के लोगों ने हल्ला सुना तो पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लड़की को कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती कराया और मृतक महिला की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वही मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन और सोनी नाम के युवक युवती अपने परिवार के साथ फजलगंज में चंदेल वाली गली में किराए के मकान में रहते थे और दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। वही देर शाम को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ, जिस पर आवेश में आकर अर्जुन ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। ये थाना फजलगंज जो क्षेत्र है उसमें दर्शनपुरवा एरिया में, यहाँ पे एक व्यक्ति जो पड़ोस के उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि अंदर से ताला बंद कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जिसका नाम अर्जुन है उसने अपनी वाइफ को मार दिया है और जो बेटी है उसको भी चोट आई है। तत्काल यहाँ पे पुलिस आई तो ये पता चला है कि जो अर्जुन है उसकी वाइफ से उसका विवाद था, काफ़ी दिनों से पहले भी से ही काफ़ी विवाद था। आज उसने जो भी संभवतः जो भी उनका रिसेंट में जो आज में जो भी जिनसे लड़ाई झगड़ा होगा उसी के क्रम में उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पूरी घटना नगर थाना कोतवाली क्षेत्र भोजपुरा नगला आशिक अली की है, जहां मंगलवार को बाइक चुरा कर भाग रहे अज्ञात चोरों को पकड़ना एक युवक को भारी पड़ गया। चोरों ने नुकीली चीज से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वही घायल युवक के द्वारा मामले से इलाका पुलिस के अवगत कराए जाने की जानकारी मिली। इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को आनन फानन में उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात भी कही और चोरों की गिरफ्तारी का पूरा मामला आगे बढ़ा दिया। वही अगली खबर एटा से है, जहां साइकिल पर सवार पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की उपचार के दौरान ये मौत बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे लघुशंका के लिए पति पत्नी जा रहे थे साइकिल से। वही पति पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां पनियारा थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा से शौच के लिए गई एक 14 साल की बालिका के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
बालिका के शोर मचाने पर तीनों युवक वहां से फरार हो गए और लोगों ने उसे घेर कर बहुत ही ज्यादा मारा। वही शोर सुनकर मां के पहुंचने पर आरोपी भाग गया। अब आरोपियों ने वीडियो वायरल कर पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। वही पीड़िता की मां ने घटना की नामजद तहरीर थाने पर दी है। तहरीर के अनुसार 18 जुलाई की रात 11 बजे उसकी बेटी शौच के लिए घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर गई थी, जहां उसी दौरान जंगल से लकड़ी काटकर गांव के तीन युवक आ रहे थे। बालिका को देखकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई। वही लड़की भागने में कामयाब रही और फिर जाकर के अपनी मां को सारी बात बताई, जिसके बाद मां ने ये तहरीर थाना में दी है। कि मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को तीन लड़के छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं और जो कि थाना पनेरा क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने संपर्क स्थापित किया पीड़ित पक्ष से, उनसे तहरीर लेकर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तहरीर के मुताबिक ये घटना 18 जुलाई की रात 9 बजे के लगभग की है, जब पीड़िता यानी लड़की शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी, वहीं इन तीनों लड़कों ने उसे पकड़कर छेड़खानी की। वही अगली खबर गोरखपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। हालांकि पुलिस को इस बात की कानोकान खबर नहीं लगी कि कांग्रेसी नेता पीएम का पुतला फूंकने वाले हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और उन्होंने गोरखपुर के शास्त्री चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। वही कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं को योगी के राज में मोदी का पुतला फूंकने की कामयाबी बता रहे हैं। वही बता दें कि मणिपुर की घटना से पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। यहाँ एक सैनिक की पत्नी के साथ घटित हुई घटना के विरोध में लोग मोदी के रामराज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे, पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में इतनी हिंसाएं भड़क रही है, घर घर जलाया जा रहा, महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है। और आप देखे होंगे कुछ निकट दिन पहले वीडियो जो वायरल हुआ था, वो भी एक फौजी की पत्नी थी। वो फौजी चिल्ला के कह रहा है कि मैं देश की सेवा किया, मैंने जगह जगह जाके महिलाओं के लिए आन मान शान के लिए झंडा लहराया, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया इतना धन कमाकर। वही अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां नेपाल में पहाड़ियों पर हो रही लगातार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वही मल्हीपुर क्षेत्र के वीरपुर लौकीहा मोड़ के पास बाढ़ के पानी से मल्हीपुर मुख्यालय भिंगा मार्ग कट गया है। वही सड़क कटने से मुख्यालय आने जाने वाले लोगों का आवागमन पूर्ण तरीके से बाधित हो गया है। खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी राप्ती नदी। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क काटने रोकने में प्रशासन फेल हो गई है। वही तेजी से हो रही कटान पर सड़क किनारे लोगों का लगा जमावड़ा, बना रहे वीडियो से ले रहे थे सेल्फी। मौजूद लोग हो सकते हैं घटना के शिकार। वही प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा था। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र में चोरों का कहर देखने को मिला। मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। गुस्साए लोगों ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी। वही लाइब्रेरी से वापस आ रही छात्रा से चोर ने झपटा था उसका मोबाइल। वही छात्रा ने भी चप्पल के साथ चोरों की पिटाई कर दी। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने छात्रा को वापस कराया उसका मोबाइल और पूरा मामला थाना सदर बाजार इलाके में दर्ज करवाया। वही अगली खबर बागपत से है, जहां यमुना नदी में तेज आवाज के साथ पानी हवा में उड़ाने का मामला सामने आया है। गैस पाइपलाइन लीक होने के कारण हवा में 10 फीट उठ रहा था नदी का पानी। वही डीएम बागपत जीपी सिंह ने मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। वही दादरी पानीपत गैस पाइपलाइन में रिसाव के चलते ये पूरी घटनाक्रम हुई थी। वही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां आई फ्लू दस्तक दे चुका है। बरसात के बाद सहारनपुर में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। सबसे अधिक आई फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं। नेत्र चिकित्सक ने बताया जिला अस्पताल में जितने मरीज पहुंच रहे हैं उनमें 90% आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। वही बरसात के बाद अधिकतर बीमारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार आई फ्लू अधिक से अधिक बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आई फ्लू वाले मरीज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि आँख पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। वही सीएमओ संजीव मांगलिक ने बताया कि जिला अस्पताल में 1200 से 1500 मरीज अलग अलग बीमारियों से पहुंच रहे हैं और ये बरसात के बाद हर साल होता है, फिर भी सभी तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। मैंने अभी जो SIC महोदय हैं जिला अस्पताल के SBD के, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो जो OPD के मरीज हैं हमारे वो 1200 से 1500 के बीच में, जो नॉर्मली चलती है रूटीन,
उसी तरह से ओपीडी के मरीज आ रहे हैं 1200 से 1500 के बीच में लगभग, और कोई विशेष, मैंने उनसे पूछा था विशेष किस्म के कोई मरीज हो, कि जैसे बरसात का पानी अभी घरों में आ गया था ये 10-15 दिन पहले, तो यहाँ 16 या 17 मोहल्ले चिन्हित किए गए थे। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में विद्युत विभाग की टीम पर हमला बोल दिया गया। वही प्रेमपुरी में एक घर में बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम को महिला सहित कई लोगों ने जमकर पीटा। वही एक लाइनमैन जख्मी भी बताया जा रहा है। वही एसडीओ कई समेत लाइनमैन कार्रवाई करने के लिए पहुंचे नगर कोतवाली। नगर कोतवाली क्षेत्र में प्रेमपुरी का ये पूरा मामला उजागर हो रहा है। वही अगली खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली अंतर्गत व्यापारी के घर से दिन दहाड़े नाबालिग का अपहरण और चोरी की घटना का प्रयास ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने किया सफल। वही घटना में शामिल 3 नकाबपोश अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी की गई। वही पहचान अपराधियों से घटना में उपयोग लाने वाली मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, चाकू और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। ये पूरा मामला 22 जुलाई को सचिन जैन का बताया जा रहा है। 22 जुलाई 2023 को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के घर में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण व चोरी की घटना के संदर्भ में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर उच्च अधिकारी दल द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था। उसी घटना का आज सफल अनावरण किया जा रहा है। 3 अभियुक्त जिनका नाम आनंद, विनय और लाला राम है। वही अगली खबर बलरामपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गोवंशों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए तंत्र से तमाम तरह की अपेक्षाएं रखते हुए उन्हें व्यवस्थाएं देने का काम कर रही है। वही दूसरी तरफ जिलों में तैनात तंत्र गौ संरक्षण के मामले में फिसडीडी साबित हो रही है। ऐसी ही एक मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के ग्राम पंचायत लाल नगर सिपाहिया में सामने आया है, जहां कागज में 75 और 80 गोवंशों को स्थानीय ग्रामीणों गो आश्रय स्थल पर संरक्षित करने का काम किया जा रहा था, लेकिन भोजन की पर्याप्त व्यवस्था और अन्य सुविधाएं ना होने के कारण गोवंशों की लगातार मौत हो रही है। वही बारिश के मौसम में 4 और अन्य चीजों की कमी से जूझ रहे हैं ये पूरे गौशाला में। ग्रामीणों के मुताबिक कई गौवंशों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और कुछ यूं छोड़कर वहां से फरार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।